ताकि और अच्छा कर। सॉरी जी बोले। मैंने कहा ये जो आखिरी चीज आपने बताई है ना, फेलियर के आगे पोर्ट लगाते हैं इनपुट की, और ये एक दफा काइंडली दोबारा रिपीट कर दें ताकि अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसा करें कि मुझे कोई और स्क्रीन शेयर कर दे ताकि उससे बाकी भी जो है वो आइडिया हो जाए, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी एग्जांपल्स जो है वो क्रिएट हुई हुई हैं। तो आप में से कोई जो है मुझे शेयर कर दे तो मैं प्रॉपरली एंड टू एंड बता दूं दोबारा से। जी, कर रहे हैं कोई स्क्रीन शेयर? जी आप कर दें आवाज। मेरे पास टेम्पलेट जो है जस्ट वो अपलोड हुई है, तो वहां से आगे का कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं। सॉरी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी जस्ट टेम्पलेट जो है वो इंपोर्ट हुई है, तो वहां से आगे का कंप्लीट प्रोसेस किया जा सकता है। नहीं, किसी ने अगर ग्रुप वगैरह क्रिएट किए हैं तो वो मुझे शेयर कर दे। चलें, आई थिंक मुझे, मैं कर देती हूँ शेयर। स्क्रीन विजिबल है? जी जी विजिबल है। ठीक है, इसको मैं अगेन डिलीट करती हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। अब यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर है कि गेट फाइल हमने की और पुट कर दिया। अब पुट वाले में जाना है आपने, और यहाँ से आपने उसके रिलेशनशिप जो है वो सेट करने हैं। अब रिलेशनशिप्स हमारा जो केस है ये है कि अगर हमारे पास फाइल्स जो है जो फेलियर में जा रही हैं वो हम लोगों ने किसी और फोल्डर में प्लेस करवानी है, ठीक है, ताकि हम उसको देख सकें कि हमारे पास ये वाली फाइल जो है वो फेल हो गई है और ये वाली फाइल जो है वो सक्सेस हो गई है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो टर्मिनेशन रिलेशनशिप है वो सक्सेस पे रखा कि अगर तो सक्सेस हो रही है फाइल तो यहीं पे पुट हो जाए, ठीक है, इस वाली डायरेक्टरी में जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है आउटपुट की, ठीक है, इसमें हो जाए प्लेस। अगर अगर तो कोई फेल हो रही है तो क्या करे, वो किसी और डायरेक्टरी में जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और भी लाइक राउट ऑन का एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे, वो भी अप्लाई कर सकती थी। बेसिकली ये वाली जो एग्जाम्पल करने का रीजन ये है कि आपको इनपुट एंड आउटपुट का पोर्ट का आइडिया हो जाए। इसका सेकेंड अल्टरनेट मेथड ये है कि आप यहाँ से इसको अल्टरनेट करो, सॉरी राउट ऑन, ये ठीक है, राउट ऑन एट्रीब्यूट, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपने कि आपने जो सक्सेस वाली इसमें डाल दी और वो जो फेलियर वाली है वो इस वाले राउट में डाल दी, लेकिन ये वाला रीजन, ये वाली मेथड चूज करने का रीजन ये है कि आप जो आपको इनपुट और आउटपुट जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे मैं एक इनपुट सॉरी आउटपुट की पोर्ट लेके आती हूँ और मैंने यहाँ पे प्लेस करके यहाँ पे मैंने इसको कोई नेम दे दिया। अब वही कहते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं यहाँ पे कोई नेम और दे देती हूँ। अब बेसिकली यहाँ पे मैंने आउटपुट पोर्ट क्यों यूज की, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कोई भी डाटा इनपुट यहाँ पे हमने दी और यहाँ से हमारे पास आउटपुट आउटपुट आएगी ना, तो हमने जिस प्रोसेसर से डाटा लेना है और जिस में प्लेस करना है, जिस से लेना है उसमें आप आउटपुट लगाओगे और जिस में प्लेस करना है उसमें इनपुट दोगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे आउटपुट पोर्ट लगाई और मैंने इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसके साथ सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप क्या रखा, सक्सेस और फेलियर का, फेलियर का, क्योंकि सक्सेस का तो हमने वहां पे टर्मिनेट कर दिया था कि अगर तो फाइल फेलियर में आ रही है तो वहां पे आगे आ जाए, वरना ये यहीं पे रहे, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोसेस से डाटा गेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक और प्रोसेस ग्रुप बनाया, ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया कि एक इनपुट ली कि दूसरे प्रीवियस प्रोसेसर से जो भी फाइल आए वो एज अ इनपुट आए और मुझे किसी दूसरी डायरेक्टरी पे, जो कि मैंने यहाँ पे एक न्यू डायरेक्टरी बनाई थी फेल्ड फाइल की, वहां पे प्लेस हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी का पाथ दिया,
ठीक है, पाथ देने के बाद मैंने ये इनपुट डायरेक्ट इनपुट पोर्ट को इस वाली पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करूं, यहाँ देखें अभी भी एक एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ। अगर मैं इसको इस प्रोसेस ग्रुप को और इस प्रोसेस ग्रुप को आपस में कनेक्ट करूंगी, और यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे डिफरेंट आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अभी तो मेरे पास एक इनपुट पोर्ट थी, अगर डिफरेंट इनपुट पोर्ट्स हैं या आउटपुट पोर्ट्स हैं तो वो यहाँ पे शो होती हैं। ठीक है, एक मेरे पास गेट फेल्ड फाइल वन थी और गेट फेल्ड फाइल थी। अब मैंने वन वाली लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो कि आपने कौन से इनपुट से आउटपुट से इनपुट लेके आनी है और कौन से इनपुट से आउटपुट लेके जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। मैंने इसको कर दिया ऐड, तो उसने क्या किया कि इस प्रोसेस ग्रुप का इस प्रोसेस ग्रुप के साथ कनेक्शन बना दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? काइंडली रिस्पॉन्स कर दें, क्योंकि लाइक या तो समझ नहीं आ रही या बहुत समझ आ रही है, दो ही रीजन हो सकते हैं। मुझे तो समझ आ गया, बाकियों का नहीं पता। ठीक है, तो बाकियों को समझ आ रही है? मैम ये ग्रुप्स वाला पार्ट नहीं समझ में आ रही, ग्रुप कैसे बन रहे हैं ये प्रोसेस ग्रुप्स? प्रोसेस ग्रुप आपने जो बनाने हैं वो इस वाली, ये देखें आइकन पे जाएंगे आप प्रोसेस ग्रुप वाले पे। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप ग्रुप का नेम देंगे। अब मैंने एबीसी लिख दिया। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया, ये एक प्रोसेस ग्रुप है। ठीक है, अब मैंने दूसरा प्रोसेस ग्रुप लेना है, तो मैं अगेन यहाँ से लेके आऊंगी। ये मैं इसलिए कह रही थी कि अगर आप स्क्रीन शेयर कर दें कोई तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसलिए शायद आपको कंफ्यूजन हो रही है। मैंने अब ये एक प्रोसेस ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब मैंने ये दूसरा प्रोसेस ग्रुप बनाया और मैंने इसको ABC2 का नेम दे दिया। अब इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट का मतलब यही है कि आपने एक प्रोसेस ग्रुप से किसी दूसरे प्रोसेस ग्रुप में डाटा लेके जाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ पे इसको कनेक्ट किया। इसका मतलब ये है कि अब ये देखिए यहाँ पे आपका एरर भी आ रहा है। वो ये कहता है कि आपका इनपुट और आउटपुट है ही नहीं है। ठीक है, तो ये इनपुट और आउटपुट यूज इसलिए होती है कि जब आपने दो प्रोसेस ग्रुप्स को कनेक्ट करना हो, या एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस ग्रुप में डाटा लेके जाना हो। अब ये आप कह रहे हैं कि डाटा प्रोसेस ग्रुप बने कैसे हैं? तो प्रोसेस ग्रुप जो है वो आपने यहाँ से क्रिएट करना है, और उन प्रोसेस ग्रुप्स में आपने जाके कोई भी डाटा पाइपलाइन बनानी है, जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है। अब समझ आया मौजम आपको? जी ये सारा क्लियर है कि हमने यहाँ पे इनपुट दे दी, यहाँ पे फेलियर का आउट ले लिया, हमारा सिनेरियो क्या है? जी ये समझ में आया ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है? जी, क्लियर। ओके, अब मैं जाती हूँ उस वाली को, अब मैं रन करने लगी हूँ, मेरी एक डाटा पाइपलाइन जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, क्रिएट होने के बाद अब मैं इसको रन करने लगी। रन होने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? एक इस वाली डायरेक्टरी पे एक फाइल होनी चाहिए, जो कि मैं इनपुट में एक फाइल प्लेस कर देती हूँ। इसी को ही मैं उठाती हूँ क्रॉस, और यहाँ पे इनपुट में मैंने प्लेस कर दी। इसको रन किया, क्यू उसने फाइल गेट कर ली, देन अगेन वंस किया। अब ये देखें, अब देखेंगे उसने कहा है कि मेरे पास कोई फेलियर आया ही नहीं है, तो मैंने उसको आगे राउट किया ही नहीं है। ठीक है, उसने क्या किया कि यहाँ पे ही प्लेस कर दी आउटपुट वाले फोल्डर में, क्योंकि हमारे पास कोई फेलियर ही नहीं आया। अगर मैं इसको दोबारा फेलियर आपको दिखाने के लिए मैं एक और फाइल लेके आती हूँ। ठीक है, कॉपी इनपुट में यहाँ पे मैंने प्लेस की, ये देखिए अब आउटपुट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अब मैं इसको दोबारा रन करती हूँ।
ये देखिए अब फेलियर, अब उसने कहा कि आपकी दो ऐसी फाइल्स हैं जो फेल हो गई हैं। क्यों फेल हो गई हैं? उसने उसकी यहाँ पे वार्निंग भी दे दी है कि बिकॉज फाइल विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि दो मेरे पास फाइल ऐसी हैं जो फेल हुई हैं, जो कि आगे आ गई हैं, और जो दो थी वो सक्सेसफुल हुई हैं। जब सक्सेसफुल हुई है तो फेलियर वाली क्यू में कोई फाइल नहीं आई, जब फेल हुई है तो आई है। क्यों? क्योंकि हमने रिलेशनशिप उसका ऐसा सेट किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसके आउटपुट पोर्ट को स्टार्ट किया तो मेरी ये वाली जो क्यू में दो फाइल्स हैं वो आगे वाले में चली जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं जाती हूँ, देखिए मैं यहाँ से बैक आई हूँ, इस प्रोसेस ग्रुप से मैंने बैक क्लिक किया है तो ये बैक वाली क्यू में ऊपर वाले प्रोसेसर से नीचे वाली क्यू में आ गए हैं। ठीक है, अगर इसको मैं व्यू भी करूं, लिस्ट क्यू करूं, तो यहाँ पे आपके पास दो फाइल्स पड़ी होगी कि फाइल नंबर 3 एंड फाइल नंबर 4 जो है वो आपकी फेल हुई है। ठीक है, देन मैं दूसरे ग्रुप में जाती हूँ। ठीक है, दूसरे ग्रुप में जाने के बाद मैंने यहाँ पे ये जो इनपुट पोर्ट थी कि इनपुट जो आपकी प्रीवियस प्रोसेस ग्रुप से इनपुट आई है वो ऐड हो और यहाँ पे इंजेस्ट हो जाए। ठीक है, इसको मैंने रन किया और यहाँ पे मेरे पास टू क्यू में दो फाइल्स आ गई जो फेल हुई हुई थी। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने पुट फाइल किया, पुट फाइल में ये वाली डायरेक्टरी दी हुई है। इस फेल्ड फाइल में मेरे पास ये वाली दो जो हैं वो फेल होनी चाहिए। उससे पहले मैं क्या करती हूँ कि इस फेल्ड वाले फोल्डर को मैं एम्प्टी कर देती हूँ इसको, क्योंकि वरना ये फिर एरर देता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो मैंने इसको यहाँ पे दोबारा से रन कर दिया। ठीक है, तो ये उस फेलियर वाले ग्रुप में पुट हो गए। जी, यहां तक समझ आइए कि हमारा सिनेरियो क्या था और हमने क्या परफॉर्म किया, क्या डाटा पाइपलाइन करके आ रही है। जी नम्रा, ये क्लियर हो गया। मुझे थोड़ा इंस्टॉलेशन से यस, रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अगर आप अभी हम कर सकते हैं या फिर एट द एंड ऑफ द क्लास। इंस्टॉलेशन के रिलेटेड हम एंड पे करते हैं। ठीक चलिए, है जी, कम फरहान। मैडम, ये जो हमने CSV फाइल के ऊपर हमने चेक लगाया था, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि जो गेट का फंक्शन है ये CSV फाइल को लेकर आएगा और बाकी को इग्नोर करेगा या फेल्ड में डाल देगा? क्योंकि हम तो सिर्फ गेट फाइल का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं ना, गेट फाइल को कैसे हम बताएंगे कि CSV फाइल के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है या टेक्स्ट फाइल के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है? नहीं, वो पता क्या होता है कि जब आप मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी का नेम दिया हुआ है, जस्ट इस डायरेक्टरी में जो भी फाइल होगी वो वट एवर CSV है, वो एक्सेल है, वट एवर जो भी है वो उठा लेगा। अगर आपने उसको ये बताना है कि आपने सिर्फ CSV वाली उठानी है या आपने सिर्फ एक्सेल वाली उठानी है या आपने कोई JSON वाली उठानी है, वट एवर जो भी उठानी है, जो भी एक्सटेंशन है, वो आप फाइल फिल्टर में अप्लाई करोगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलें या कोई और क्वेश्चंस हैं? ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं जो हम लोगों ने टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड किया है। ठीक है, ये वही फर्स्ट वाला जो है ये, एंड ये वाला जो है वो हमने अभी जो इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट किया है ये वही वाली एग्जांपल है। अब मैं आती हूँ कन्वर्ट CSV टू JSON। जैसे हम लोगों ने अभी थ्योरेटिकल पार्ट में देखा था कि हम लोग ये जो NiFi है वो आपकी कन्वर्जन जो है वो भी सपोर्ट कर रहा होता है कि आपने अगर CSV टू JSON करना है, CSV टू Excel करना है, पार्के टू एवरो करना है, एवरे टू पार्के करना है, वट एवर जो भी करना है, उस टाइप की कन्वर्जन जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली ये जो प्रोसेसर्स हैं इसमें कुछ अपने बिल्ट इन प्रोसेसर्स होते हैं जिनके थ्रू आप कन्वर्जन्स कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट लिखूं तो ये देखें आपके पास डिफरेंट प्रोसेसर्स आ गए हैं कि अगर आपने एवरो टू जेसन करना है, एवरो टू ORC करना है, एवरो टू पार्के करना है, जेसन करना है, सीक्वल करना है, या वट एवर जो भी करना है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे CSV लिखूं तो यहाँ पे भी आता है कि आप CSV को भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरी कम्प्लेक्स, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है डेटा पाइपलाइन, इसको यूज करने का, लाइक उसको दिखाने का मतलब ये है कि आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस का भी जो है वो आइडिया हो जाए। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंट सिनेरियो के थ्रू जो है वो हम गेट करेंगे और उसको पुट करेंगे, लाइक एक CSV गेट करेंगे और JSON में उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा केस है। अब इसके लिए आप क्या करें कि एक CSV फाइल उठाएं, कोई भी डमी फाइल बनाएं किसी फोल्डर में और उसको यहाँ पे प्लेस कर दें इनपुट में।
मेरे पास ये ऑलरेडी डाटा CSV फाइल बनी हुई थी, तो मैंने इसको कॉपी किया और मैं इस इनपुट में लेके आई हूँ। ठीक है, तो काइंडली आप भी इस तरह की कोई CSV फाइल जो है वो क्रिएट कर लें, क्योंकि आपके पास फाइल तो लाइक ये पाइपलाइन तो ऑलरेडी क्रिएटेड होगी, क्योंकि ये इंपोर्ट वाले फाइल से डाटा डाटा पाइपलाइन है। जी कोई परफॉर्म कर रहा है? जी कोई साथ में परफॉर्म कर रहा है तो काइंडली शेयर कर दें स्क्रीन, ताकि बाकियों को आइडिया हो जाए। जी कोई क्रिएट कर रहा है साथ में? आई गेस बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कर भी नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे मेरी तरह ही होंगे जो जरा भी इंट्रोडक्शन में पूछे होंगे। तो आई थिंक कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। नहीं समझ, वैसे तो जो अंडरस्टैंडिंग है इस तरह इनपुट और आउटपुट पोर्ट की, आपने जब जो आपको पूछा था क्वेश्चन वो समझ आई, मेक सेंस। और आपने उसके बाद जब लास्ट में बताया कि आउटपुट पोर्ट के ऊपर आपने फेलियर और सक्सेस दोनों को क्यों चेक किया हुआ था, तो वो भी समझ आ गई बात, क्योंकि उस नए प्रोसेस के लिए ये है कि जब आप साथ में प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होंगे, आपका तो खैर इशू आ रहा है, तो जो जिनका इशू नहीं आ रहा नाइफ का, तो काइंडली आप साथ साथ परफॉर्म करें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी कवर हो जाए, क्योंकि इस तरह से थ्योरेटिकल पार्ट में तो समझ नहीं आएगी। मैं बोलती रहूंगी समझ नहीं आएगी, जब जब तक आप खुद से साथ में परफॉर्म नहीं करे होंगे। तो आई थिंक कोई साथ में परफॉर्म नहीं कर रहा। हम पहले कर रहे थे लेकिन अभी बीच में मिक्स हो गई चीजें, तो रिकॉर्डिंग के साथ बाकी की होटल। अगर 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 हम थोड़ी सी करके जो किसी के इंस्टॉलेशन के इश्यूज अगर ये अगर हम वो सॉल्व करें, ताकि जो आगे वाली चीजें कुछ तो कर सके साथ हम आपके, वरना तो ये ठीक ऐसे है चलता बताएं। जाएगा। ठीक है मैं बताएं। स्क्रीन प्रेजेंट करूं अपनी? मुझे क्योंकि जी जी प्रोसेस आईडी वाला इशू आ रहा है, वो प्रोसेस आईडी लिखा हुआ आ रहा है जब मैं रन किया उसका। ठीक है मैं करें। प्रेजेंट करता हूं जस्ट अ मोमेंट। आपका स्क्रीन विजिबल हो तो बताइएगा। जी हो रहा हो रही है। जब मैंने इसको रन किया बैट फाइल को, ये प्रोसेस आईडी पे आ गया यहां पे स्टक। इसको आपने क्लोज किया? इसको क्लोज कर दो। हाँ इसको क्लोज कर दें। ठीक है क्लोज कर दिए। अब उसमें जाएं जहाँ पे आपने नाइफा इंस्टॉल किया हुआ। मैं आपको जी यहाँ पे आ गया। इस फोल्डर में जाएं जी, इसमें बिन में जाएं, राइट ऊपर लिखें, नहीं इसको रन रन नाइफा करें, रन नाइफा रन नाइफा। अगेन आपका आप ऐसा करें कि ये जो आपके मैनेजमेंट टूल है ना, उसमें से आप उसको डिस्कनेक्ट करना। एक सेकंड मुझे दीजिएगा।
जी सॉरी कॉल आ गई थी। अब ऐसा करें कि इसको ये जो ऊपर लिखे हैं जहाँ पे नाइफ फाइव जा रहा है ना 1.17 वाले फोल्डर में, ठीक है, यहाँ पे आप सीएमडी टाइप करें, यहाँ पे सीएमडी टाइप करें, यहाँ पे सर्च इस पाथ पे जा रही। नहीं 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 सर्च बार में नहीं, जहाँ पे पाथ आ रहा है ना इसी पे, यहाँ पे क्लिक, हाँ यहाँ पे सीएमडी लिखें। नहीं नहीं इसको क्रॉस करके सीएमडी लिखें, एंटर करें, ठीक है। अब ये इसका लाइक शॉर्ट कट होता है कि आप उस डायरेक्ट सीडी वगैरह नहीं आपको करना पड़ता, उसमें चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं एक कमांड सेंड करती हूँ, वो वाली रन करके देखें, क्योंकि ये रन तो होना चाहिए बिकॉज इसके अलावा और तो कोई वो नहीं है, वरना फ्यास को करते हैं ज्वाइन करवाते हैं, वो आपको देखते हैं लाइक क्या इशूज आ रहे हैं। अब इसको रन करके देखे, बिन इज नॉट, अब सीडी बिन में जाए, सीडी करें एंड बिन में जाए। हाँ नहीं डायरेक्टरी में जाना है ना, तो आप इस डायरेक्टरी को ओपन करेंगे एंड देन जाएंगे उसमें। अच्छा ठीक है, वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, यही से हम जाते हैं सीडी बिन, सॉरी सीडी बिन, बिन में आ गए। अब यहाँ पे प्लेस करनी है फाइल, यहाँ पे वो वाली कमांड करें, सिर्फ नाइफाई डॉट रन लिखें, सिर्फ नाइफाई डॉट एस एच, नाइफाई डॉट एस एच स्टार्ट, आगे स्पेस देके स्टार्ट, यस ये आपकी इंस्टॉलेशन में तो कोई इशू नहीं आ रहा। अब्बास आप कॉल पे चला रहे हैं, ये किसी ने लाइक बहुत शोर आ रहा है, मैं उधर साइड पे हो जाता हूं। मैं कह रहा हूं विंडोज पे है ना, तो विंडोज पे डॉट एस एच स्क्रिप्ट तो नहीं चलेगी, विंडोज पे तो बैच चलेगी। अच्छा जस्ट अ मोमेंट, मुझे दोबारा थोड़ा गाइड करते हैं इस पे, कहाँ जाना पड़ेगा मुझे। मैं निम्रा को बता रहा था कि आप जी मुझे आइडिया हो गया, बस वो वॉल्यूम इतना ऊंचा था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि लाइक क्या है, तो अब आई थिंक सही है। तो ये वो ये कह रहे हैं कि आपके पास ये विंडो है तो यहाँ पे आप नहीं रन कर सकते एस एच कमांड, ठीक है। तो अब्बास आप कॉल पे हैं, अब्बास आप सेशन में हैं, फ्याज आप कॉल पे हैं, जी नम्र ये इनका जरा इशू देखिएगा। अच्छा ये तलहा का इशू आ रहा है, जी जी अच्छा, आप बता दें जरा आपने ये फोल्डर कहाँ पर डाउनलोड किया है, अगर मुझे मेन डायरेक्टली फोल्डर दिखाते हैं नाइफ का, जी सी में, अच्छा आपने सी ड्राइव में किया हुआ है, आपका जावा वगैरह सी चल रहा है आप, जी जावा वाला बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है, और आपके पास इशू क्या आ रहा है अभी। अभी मैं इसको मतलब जब मैंने इसको रन रन की कमांड चलाई थी ये वाली ये रन नाइफ है वाली, तो नीचे प्रोसेस वहां पे लिखा हुआ आ गया था प्रोसेस आईडी और वहां पे जाके स्टक हो गया, उसके बाद स्टक हो गया। फिर क्लोज करवाया सीएमडी के उन्होंने, तो फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, प्रोसेस आईडी आ गया था और उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा था काफी देर से। एक्चुअली प्यास इनका ये इशू आ रहा है कि जैसे ही ये रन करते हैं ना तो इनकी ये जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है ना वो शो ही नहीं होता, ठीक है, डिसेबल हो जाता है, जो लास्ट सेशंस में भी आई थिंक एक दो का इश्यूज आए थे, लेकिन इनकी इशू ये आ रहे हैं कि इनकी आईडी भी शो नहीं हो रही, अच्छा नाइफाई की आईडी भी नहीं शो हो रही। अक्सर इशू ये आता है ना कि आप अपने नाइफाई का जो फोल्डर है ना आप उसको ऐसी जगह रखें जहां पर आपकी जो पूरा पाथ आ रहा है सर, आप देख रहे हो लोकल डिस्क आ रहा है इस तरह करके, तो उसमें कोई स्पेस ना आ रही हो, स्पेस कोई नहीं है अगर, खाली स्पेस कोई नहीं आ रही, ये डैश है खाली, एक हाइफन जो है, नहीं नहीं ठीक है, आप इधर जरा सीएमडी लिखें, ये ऊपर ही आपने जो हाईलाइट किया है इधर पर सीएमडी लिखें, जी इंटर करें, जी अच्छा इधर रन नाइफाई डॉट बैट रन अंडरस्कोर नाइफाई है या कंबाइन है,
run underscore nifi में है nifi.bat तो करें जरा चेक करें इसमें फोल्डर में क्या क्या आ रहा है आपको run dash nifi run dash nifi NiFi कह रहा है कि ऑलरेडी रनिंग है आपका ठीक है ठीक है आपने कॉन्फिग फाइल खोलते हैं जरा आपने पोर्ट क्या सेट किया हुआ था मुझे कॉन्फिग फाइल कहां दोबारा बताते हैं ये मैंने पोर्ट सेट किया फोल्डर में आते हैं NiFi के फोल्डर में आते हैं आप मेन इधर आप वो conf 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 ये आगे बिल्कुल आगे इसके अंदर आपके पास होगा nifi.properties my properties आगे बिल्कुल इसको ओपन करते हैं नोटपैड में जी इधर आप सर्च करें कंट्रोल एफ पोर्ट पी ओ आर डी जी आगे सर्च करें मल्टीपल होंगे 8443 आ रही है अच्छा आप बस 8443 आ रही है और वो है एच टी टी पी एस की ठीक है आप जरा आए अपने ब्राउजर पे इधर आप लिखें एच टी टी पी एस लोकल होस्ट कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट उसके बाद अपना पोर्ट दे रहे हैं 8443 ठीक है आप नीचे आए जरा क्या कह रहे हैं इसके साथ आ रहा होगा एडवांस में और आप प्रोसीड करते क्या होता है इसमें ऑप्शन आता है हाँ प्रोसीड टू लोकल होस्ट लेफ्ट और ये तो वही लॉग्स में जाके करना पड़ेगा ना ये लॉगिन वाला जो था हाँ आपके पास एक लॉग का फोल्डर आ रहा होगा उसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड बन रहा होगा आपका इशू पता है क्या था आपने आपने पोर्ट जो है वो सही नहीं लिखी हुई थी मुझे यही लग रहा है और ये जनरेटेड पोर्ट नंबर था ना जनरेटेड यूजर कंट्रोल एफ करेंगे जनरेटेड यूजर नेम एंड पासवर्ड है दोनों आई एम नॉट रॉन्ग जी यूजर नेम पासवर्ड कॉपी कर लें ये ब्रैकेट के साथ ही कॉपी करनी है नहीं नहीं ब्रैकेट बगैर थैंक यू सो मच फयाज साहब मेरा भी सेम ही इशू था और मेरा भी रिजॉल्व हो गया एग्जैक्टली सेम केस ही था ठीक है थैंक यू सो मच जजाक जी नंबर आगे कुछ है आप या करवाने के लिए जी जी एक दो एग्जांपल्स हैं मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर होती है तो स्क्रीन शेयर हो रही यस ठीक है ये गेट प्रोसेसर जो है यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि एक जहां से हम लोगों ने इनपुट फाइल लेनी है उसका पाथ दे दिया ठीक है स्केड्यूलिंग करनी है सेटिंग करनी है सेटिंग कर ली ठीक है ये सेम वही प्रीवियस एग्जांपल वाला है गेट फाइल ठीक है यहाँ से अगर मैं इनपुट में जाके कोई फाइल जो है वो रिप्लेस करवाती हूँ ठीक है इन सीएसवी की तो आप भी सीएसवी की फाइल जो है वो क्रिएट कर लें साथ में इस तरह की कोई भी आप डमी क्रिएट कर सकते हैं एक से दो या तीन रैकर्स जो हैं वो क्रिएट कर लें जी तलाब साथ में आप शेयर कर दें स्क्रीन इंपोर्ट कर लें पहले चैट में कॉपी पेस्ट कर दीजिए फाइल को
सॉरी ये चैट में शेयर, चैट पे कॉपी पेस्ट कर दें इस फाइल को, कंटेंट को से कर दें उसे को। और तुमने दोबारा बता दिया मैंने क्या क्या करने के लिए, थोड़ा सा मुझे शोर की वजह से समझ नहीं आया। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने इंपोर्ट कर लिया टेम्पलेट तो स्क्रीन आप शेयर कर दें ताकि बाकी देखें। मैंने नहीं किया अभी तक, मैं जस्ट मोमेंट में कर लेता हूँ, एक मिनट मुझे दे, मैं डाउनलोड करके भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे इसको रन किया तो यहाँ से इसने सी एस वी जो है वो गेट कर ली। ठीक है, गेट करने के बाद प्रॉपर्टीज इनपुट, मैम आपकी स्क्रीन ही शेयर हो रही, स्क्रीन ही शेयर हो रही, एक सेकेंड मैडम, ये चैट में शेयर कर सकती हैं आप सीएसवी का डाटा जो है? जी जी मैं कर देती हूँ। जी शेयर हो गया। यहाँ से उसने क्या किया कि सी एस वी जो है वो गेट कर ली सी एस वी फाइल को। अगर अब हमने इसको व्यू करना है तो हम क्या करते हैं कि इस पर राइट क्लिक करते हैं, लिस्ट क्यू में जाते हैं। ठीक है, लिस्ट क्यू में करने जाने के बाद यहाँ से आप इसको व्यू कर सकते हैं, ये जो राइट आइकन है और लेफ्ट आइकन। राइट आइकन में मैं गई हूँ, यहाँ से उसने सी एस वी बता दिया कि मैंने ये वाली सी एस वी जो है वो गेट कर ली। ठीक है, गेट करने के बाद आप क्या करते हो कि आपके पास एक प्रोसेसर लगा हुआ है स्प्लिट टेक्स्ट का, जो अपने प्रीवियस जो है किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि आप स्प्लिट किस तरह से करते हो, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर लगा हुआ है स्प्लिट टेक्स्ट का लगा हुआ है। ठीक है, अगर स्प्लिट टेक्स्ट का एरर जो प्रोसेसर है वो हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारा केस ये है कि हमने इस सी एस वी के डेटा को, ठीक है, इसके डेटा को टेक्स्ट को स्प्लिट करना है। अगर हमारे पास ये केस होता है कि हमने इस सी एस वी को चंक्स में या इसको सी एस वी को स्प्लिट करना है कि लाइक 10 रिकॉर्ड्स इसमें आए और 10 रिकॉर्ड्स जो है स्प्लिट हो गए किसी और में चले जाएं, तो हम कौन सा प्रोसेसर यूज करते हैं, एक प्रोसेसर होता है स्प्लिट रिकॉर्ड का। ठीक है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया स्प्लिट टेक्स्ट के वो उसका लाइक यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी इसकी देख सकते हैं कि इसकी प्रोसेसर का क्या है कि उसके टेक्स्ट फाइल को स्मॉलर पार्ट्स में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसको अगर मैं रन करूंगी आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर सेटिंग में जाते हैं, अगेन वही सेटिंग, फेलियर एंड स्प्लिट्स, ये देखें फेलियर ओरिजिनल एंड स्प्लिट्स के रिलेशनशिप क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ प्रोसेसर्स के रिलेशनशिप्स डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो कुछ बाय डिफॉल्ट होते हैं और कुछ आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे दो जो है फेलियर एंड ओरिजिनल को चेक रखा है एंड स्प्लिट वाले को अनचेक रखा। क्यों? क्योंकि फेलियर और ओरिजिनल वाला मैं ये चाह रही हूँ कि अगर तो कोई फाइल फेल हो रही है या कोई ओरिजिनल लाइक कोई भी ओरिजिनल फाइल है वो यहाँ पे रहे और जो सप्लिट जो टेक्स्ट की सप्लीशन है वो नेक्स्ट राउट पे चली जाए या नेक्स्ट प्रोसेसर में चली जाए। ठीक है, या ये रिलेशनशिप समझ आए आपको? ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अप्लाई करने से पहले मैंने इसकी प्रॉपर्टीज सेट की। प्रॉपर्टीज सेट करने में मैंने क्या किया कि उसकी सप्लीशन की मैंने उसको ये बता दिया कि हर लाइन को आपने एक वैल्यू के बाद स्प्लिट करना है, लाइक हर रिकॉर्ड के बाद जो वैल्यू है वो आपकी स्प्लिट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। अगर मैं यहाँ पे 2, 3, 4 जितनी भी दूंगी वैल्यू वो उस उतनी वैल्यू के बाद आपके टेक्स्ट को स्प्लिट कर देगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 1 रखा है तो 1 में क्या होना चाहिए कि जैसे मैंने सी एस वी में 10 रिकॉर्ड्स रखे हुए थे, अगर मैं यहाँ पे आपको शो करवाऊँ 10 रिकॉर्ड्स हैं तो उसने क्या करना है कि हर लाइन के बाद उसको स्प्लिट कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास कितनी फ्लो फाइल्स आनी चाहिए? 10, क्योंकि उसने हर फ्लो हर रिकॉर्ड को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने रन किया
और उसने क्या किया कि एक क्यू क्यू में जो एक फाइल थी उसको 10 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको कहा कि जितनी भी हर लाइन के बाद आपने क्या करना है, उस टेक्स्ट को स्प्लिट कर देना। ये देखें, यहाँ से आप सीन भी कर सकते हैं कि अच्छा ये वाला जो रिकॉर्ड है वो एक आ रहा है, ठीक है, उसने स्प्लिट कर दिया। अगर मैं रेंडमली कोई और रिकॉर्ड खोलूं तो वो ये देखें, ये 103 की आईडी का रिकॉर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास प्रोसेसर आता आ जाता है एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट में आप क्या करते हो कि आप उस टेक्स्ट को लाइक एक तो हमने रिकॉर्ड को स्प्लिट कर लिया, अब दूसरा मेरे पास प्रोसेसर है कि इस जो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड जो है स्प्लिट किए हैं उसमें से मैं ये चाह रही हूँ कि इस हर सीएसवी के कोमा या कॉलम के बाद जो भी डेटा है वो स्प्लिट होके डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट डिवाइड हो जाए, ठीक है, या चंक्स में आ जाए, ठीक है, कि आईडी जो है वो सेपरेट हो जाए, ये नेम जो है वो सेपरेट हो जाए, ये आईडी या जीमेल अकाउंट है ये सेपरेट हो जाए, एंड जो फिफ्थ कॉलम है ये सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, उसमें एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का प्रोसेसर जो है वो यूज किया। इसकी अगर मैं सेटिंग में जाऊं, ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें डिफरेंट रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है, कि मैच और अनमैच, यही डिपेंड कर रहा होता है कि आपने अपने फ्लो फाइल को किस तरह से राउट करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने अनमैच को सिलेक्ट किया और मैच को अनचेक कर दिया। क्यों? क्योंकि अनमैच का मतलब ये है कि अगर तो आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी सेट की हुई है जो आपकी मैच हो रही है तो वो आगे चली जाए, और अगर नहीं हो रही तो वो यहीं पर रहे, ठीक है, सेम एज इट इज, जिस तरह से हम लोगों ने फेलियर और सक्सेस में काम किया था कि सक्सेस वाले आगे चले जाते हैं और फेलियर वाले आगे शिफ्ट हो जाते हैं, आगे वाले उसमें एट्रीब्यूट में, एंड जो सक्सेस वाले हैं वो यहीं पे रहते हैं, ठीक है। देन इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊं तो आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाय डिफॉल्ट होती हैं, ठीक है, इसको आप सेट भी कर सकते हैं कि आपकी लेंथ कितनी हो, आपका जो मैक्सिमम साइज है वो 1 MB रखना है, आपने कितना रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोगों ने इसके एडवांटेजेस में ये देखा था कि हम कोई कस्टम प्रोसेसर भी क्रिएट कर सकते हैं और कोई कस्टम प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं, अब उसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे एक कस्टम जो है प्रॉपर्टी क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे देखें, राइट राइट साइड पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड प्रॉपर्टी का, ठीक है, अगर आपने खुद से कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे गई, मैंने किया ऐड, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सीएसवी, ये कोई भी प्रॉपर्टी का नेम है ताकि आप उस प्रॉपर्टी को आगे यूज कर सको या उसके वैल्यू को यूज कर सको, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ओके किया और ओके के बाद वो कहता है कि अच्छा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट आएगा, अगर आप क्रिएट करेंगे तो आपका नहीं आएगा, या फिर आएगा क्योंकि आपने टेम्पलेट यूज किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मजीद CSV2 के नेम से बना देती हूँ प्रॉपर्टी, जो इसका नेम डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे ही मैंने नेम डिफरेंट किया तो उसने क्या किया, उसने मुझे कहा कि आप इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर कोई वैल्यू सेट करना चाहते हो, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन देना चाहते हो तो आप वो दे सकते हो, ठीक है। तो अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जितने भी आपके कोमा के बाद, ठीक है, कोमा के बाद जो भी वैल्यू होगी उसको वो स्प्लिट कर देगा, टेक्स्ट को गेट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये डॉट प्लस और ये क्या है, ये बेसिकली एक रेगुलर एक्सप्रेशन का सिंटेक्स होता है, ठीक है, ये आप गूगल करेंगे तो आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप अगर मैं टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट करती हूँ तो यहाँ पे देखें डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस के भी आ रही होंगी, के
किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, ये मैच एंड अनमैच की डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है, फ्लो फाइल नेम की डिस्क्रिप्शन आ रही है, जो भी अगर आपने फर्दर इसकी डिटेल्ड में चीजें पढ़नी है तो आप इस तरह से गूगल करके आप इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, टैग्स वगैरह जो है वो देख सकते हैं. अगर आप इसके टैग्स में देखें तो आप लिखा हुआ है कि एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट है, एक्सट्रैक्ट है टेक्स्ट है एंड रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है. तो इसमें इसकी ये फंक्शनैलिटी होती है इस प्रोसेसर की कि आप इसमें खुद से एक प्रॉपर्टी देकर उसमें कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है. तो मैं अगर इसको अब रन करती हूँ तो फिर आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी. मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, आपने ओके करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है. जी तलहा, आप बताएं. जी नम्रा, मैंने मुझे थोड़ी सी हो रहा है कि मैंने ये जो क्लास वर्क नया क्लास वर्क वाला टेम्पलेट है वो मैंने डाउनलोड करके इंपोर्ट किया है, कुछ इसमें ब्लैंक आ रहा है मेरे पास फॉर सम रीजन. ठीक है, वो ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ से टेम्पलेट में जाना है, ये वाले ऑप्शन में, ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे आप चूज टेम्पलेट करके ऐड करते हैं. आप यहाँ पे जाएंगे टेम्पलेट पे, ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे आपके पास चूज टेम्पलेट आ रहा होगा, उसको आप ऐड करते हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है. यहाँ पे जो है हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी जो है वो सेट कर दी कि आपने हर कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना है. मैंने इसको रन किया, ठीक है, तो यहाँ से इसने 10 फाइल जो है वो नेक्स्ट पे ले गया. अगर मैं इसको अब सीन करूंगी ना, इस वाले को लिस्ट को व्यू करूंगी, तो क्या होगा कि मुझे सेम एज इट इज शो होगा डेटा जो मैंने पहले देखा है. ये देखें, इसका मतलब है कि ये स्प्लिट नहीं हुआ. इसका मतलब ये है कि आपने रेकॉर्ड्स को सप्लीट नहीं किया, आपने हर कॉलम की वैल्यू को सप्लीट किया है. अब वो टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हो कि आप यहाँ पे जाओगे लेफ्ट वाले आई वाले आइकन पे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये वो वाली लाइन है, ठीक है. यहाँ पे प्रॉपर पाथ दिया होता है एट्रीब्यूट्स में, ठीक है, कि यहाँ पे आपकी जो एब्सोल्यूट पाथ है वो ये, इससे आपने एक सीएसवी जो है वो गेट की है. अब उस सीएसवी में आपकी जो प्रॉपर एक रेकर्ड था वो ये था, और उसको स्प्लिट उसने किस तरह से किया, हर कॉमे के बाद उस वैल्यू को स्प्लिट कर दिया, ठीक है. सीएसवी वन को उसने कर दिया 0-0, लाइक एक कॉलम जो है वो उसने सीएसवी वन में रख दिया, दूसरा कॉलम उसने सीएसवी टू में रख दिया, थर्ड कॉलम उसने सी एस वी थ्री में रख दिया, और फोर्थ कॉलम इस तरह से उसने हर कॉलम को सप्लिट कर दिया, ठीक है. यहां तक चीजें जो हैं वो क्लियर हैं, किसी को ये वाला पार्ट जो है वो समझ ना आया हो कि ये सप्लिट कैसे हुआ है, एक्सट्रैक्ट कैसे हुआ है. जी यहां तक क्लियर है चीजें. जी ये एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट वाली चीज क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. इसको मैं रन करती हूँ अगेन रिप्लेस टेक्स में. अब बेसिकली क्या है रिप्लेस टेक्स, क्या करता है कि सपोज हमने इस सीएसवी में कोई टेक्स को रिप्लेस करना है. सपोज मैं ये चाहती हूँ कि इस 100 की जगह पे कोई और वैल्यू आए, या इस नेम की जगह पे कोई और वैल्यू आए, या इस जीमेल अकाउंट की जगह पे कोई और वैल्यू आए, ठीक है. तो आप इसको इसको किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है. उस इस डेटा को, इस टेक्स को रिप्लेस करने के लिए आपके पास एक फर्दर प्रोसेस ग्रुप होता है, प्रोसेसर होता है, जिसका नेम है रिप्लेस टेक्स्ट, ठीक है. इसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद इसकी सेटिंग में मैं गई हूँ. सेटिंग में मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ फेलियर को चेक किया और इसके जो है सक्सेस वाला रिलेशनशिप उसको अनचेक कर दिया कि अगर सक्सेस होता तो ही आगे जाए, अगर फेलियर होता है तो वो यहीं पे रहे, ठीक है. उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाती हूँ. प्रॉपर्टीज बेसिकली इसकी अगेन डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि सिलेक्ट सर्च वैल्यू है, ठीक है, रिप्लेसमेंट वैल्यू है, करेक्टर सेट है एंड ऑल दैट, ठीक है. इसको आप सेट कर सकते हैं. सर्च वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्यों यूज होता है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करके उसको रिप्लेस कराना है. सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई वर्ड नंबरा आ रहा है, या कोई और नेम आ रहा है, या मैंने वन को रिप्लेस कराना है, टेन को, या किसी भी वैल्यू को रिप्लेस कराना है, तो मैं एज इट इज यहाँ पे वो लिख दूंगी,
ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने कोई वर्ड नंबरा आ रहा होता तो मैं यहाँ पे नंबरा लिख देती, यहाँ पे कोई वन आ रहा होता तो मैं उसको रिप्लेस करके वन लिख देती, ठीक है। तो इस ये जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है इसका मतलब है कि वो हर वैल्यू को चेक करेगा और उसको रिप्लेस कर देगा इस वाली से, ठीक है। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन में ये बेसिकली आपके पास बाय डिफॉल्ट वो होता है सिंटेक्स होता है कि आपने इसको इस तरह से कोटेशंस में लिखना होता है, ठीक है। जो आपने वैल्यू देनी है उसको आपने डबल कोटेशंस में लिखना है, ठीक है। अब मैं ये इस पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है, कि जहां पे CSV1 आ रहा होगा एट्रीब्यूट को, उसने उसको आपने ऐड करना है आईडी के साथ। जो CSV.2 वाले एट्रीब्यूट आ रहे हैं उसको आपने नेम के साथ रिप्लेस करना है, और CSV.3 को आपने किसके साथ रिप्लेस करना है, एज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप रेगुलर एक्सप्रेशंस देते हैं कि आपने अगर कोई रिप्लेसमेंट करनी है किसी वैल्यू में तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगेन वो ये आपकी यूज केस पे डिपेंड करता है कि आपने उसका कॉलम नेम है तो वो CSV में कॉलम या एट्रीब्यूट नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसकी वैल्यू जो है उसके पहले कॉलन से पहले लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको रन करती हूँ इस वाले टेक्स्ट को, तो आप देखिएगा ये फाइल जो है वो रिप्लेस हो गई होंगी, उसके टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस हो गए होंगे आईडी और नेम एज के साथ। इसको मैंने लिस्ट किया, व्यू किया, व्यू करने के बाद ये देखें, पहले हमारे पास क्या आ रहा था कि ये वाला रिकॉर्ड आ रहा था, ये वाला डेटा आ रहा था, ठीक है। अब क्या हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है कि हमने उसको रिप्लेस कर दिया कि हमारे पास पहले कॉलम की वैल्यू आईडी आई, सेकेंड की ये आए, नेम आए और एज ये आए, ठीक है। इस तरह से हमने उसको रिप्लेस करवा दिया टेक्स्ट को। देन हमारे पास आ जाता है मर्ज कंटेंट। पहले हम लोगों ने क्या किया था कि हमने हर टेक्स्ट को, हर रिकॉर्ड को सेपरेट करके एक फाइल को 10 फाइल्स में, 10 डेटा फ्लोज में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम कहते हैं कि 10 फ्लो फाइल्स अगर आ रही हैं उसको एक में मर्ज कर दे, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज होता है, मर्ज कंटेंट। उसमें मैंने यहाँ पे सेटिंग जो भी है वो भेज सकते हैं कि आपकी मिनिमम नंबर ऑफ एंट्रीज क्या क्या होनी चाहिए, आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ग्रुप का साइज क्या होना चाहिए एंड ऑल दैट, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यस, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूं तो वो क्या करेगा, इस क्यू में अगर 10 10 फाइल्स आ रही हैं तो उसको मर्ज करके उस क्यू को एक बना दे, एक एक डाटा फाइल बना देगा। ये देखें, ठीक है। उसने क्या किया कि जितने भी रेकर्ड्स उसने सेपरेट किए थी, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन उसने परफॉर्म की थी, उसके बाद उसने एक हर रेकर्ड को एक CSV में बना दिया। अब मैं इसको अगर लिस्ट क्यू करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको व्यू किया, व्यू करने के बाद ये देखिए उसने एक 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 ही फाइल में जो है वो जो एक एक रिकॉर्ड आ रहा था उसको एक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो मर्ज कंटेंट बेसिकली क्या करता है, प्रोसेसर अगर आपके पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स आ रहे हैं सप्लीट हुए हुए तो उन्हें एक में कन्वर्ट कर देगा। देन आ जाता है अपडेट एट्रीब्यूट, जो मैंने पहले भी बताया था कि एक ऐसा ऐसा प्रोसेसर है जो आपकी स्पेसिफिक कोई ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह अप्लाई करने के लिए यूज होता है। तो इसका इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ये देखें, अगर मैं इसको दोबारा लिस्ट करती हूँ, क्यू लिस्ट करती हूँ, तो यहाँ पे फाइल नेम क्या आ रहा है, अगर अब इस पे फोकस करें ये कि ये देखें फाइल नेम आ रहा है data.csv, जो मैंने इनपुट में खुद से नेम दिया था, ठीक है, जो कि यूजर डिफाइंड नेम होता है। अब मैं चाह रही हूँ कि जो यूजर डिफाइंड आपके पास फाइल नेम आ रहा है वो चेंज होके कोई टाइम स्टैम्प नंबर रिलेटेड कुछ आ जाए, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि अच्छा ये वाली फाइल जो है वो मैंने आज के दिन में लोड की है, ठीक है। तो उसको परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक एट्रीब्यूट यूज करती हूँ, एक प्रोसेसर यूज करती हूँ जिसका नेम है अपडेट एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके सेटिंग में मैं गई, प्रॉपर्टीज में मैं गई, मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी खुद से ऐड कर दी, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद से एक कस्टम प्रॉपर्टी जनरेट करनी थी, कस्टम प्रोसेसर बनाना था, इस वजह से मैंने उसकी एक प्रॉपर्टी को यहाँ से ऐड किया। यहाँ पे मैंने फाइल
नेम वन लिखा, क्योंकि मेरे पास फाइल नेम जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड था। इसके बाद आपसे वो वैल्यू मांगेगा और यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन देंगे जो भी आपने वो करना है, परफॉर्म करना है या जो भी आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक जो है वो बना हुआ है। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? अब ये नाउ का जो फंक्शन है, अब हमने लोगों ने जो है प्रीवियस थ्योरी में ये भी कवर किया था एक पॉइंट कि इसमें फंक्शंस जो हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। अब ये जो नाउ का फंक्शन है, टू नंबर का फंक्शन है, ये बेसिकली क्या करता है? अब नाउ का फंक्शन होता है आपकी जिस तरह से डिफरेंट लाइक अगर कह लें कि टाइम स्टैम्प हमने फाइंड करना हो लिनक्स में, तो हम क्या करते हैं, टाइम स्टैम्प लिखते हैं, तो उसका टाइम स्टैम्प आ जाता है कि इस टाइम पे हमारे पास ये वाला टाइम हो रहा है। तो इसी तरह एक फंक्शन अगर आपने टाइम स्टैम्प फाइंड करना है तो उसके लिए नाइफाई में क्या यूज होता है, नाउ, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर सपोज 1:51 पीएम हुए हैं अभी, तो उसको क्या करे, एक नंबर में कन्वर्ट कर दे, डमी नंबर या व्हाटएवर। जब भी आप इसको नंबर क्रिएट नंबर में करते हो तो वो अपने उस बाय डिफॉल्ट जो है उस टाइम स्टैम्प को नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इस देन क्या करता है, कहता है कि वो इस टाइम स्टैम्प को नंबर में कन्वर्ट करने के बाद उसके साथ एक उसकी एक्सटेंशन भी चेंज कर दे कि अगर csv.csv था तो उसको क्या करे, अगर यहाँ पे अगर मैं ये देखूं कि .csv आ रहा है तो वहां पे क्या करे, उसको .json कर दे, ठीक है। यहाँ तक जो है इस रेगुलर एक्सप्रेशन की समझ आई है आपको कि ये बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन कर क्या रहा है? ये इसमें जो सिंटेक्स यूज हो रहा है ये क्या जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है या अपनी इसकी लैंग्वेज? नहीं, इसको रेगुलर एक्सप्रेशंस कहते हैं, इसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। ठीक हो गया, आगे चलें। यहां तक क्लियर है? मुझे एक चीज आप बता दें, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है नम्रा, ये यहाँ पे ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन वाली चीज हमने देखी है, फाइल नेम है, अब ये जो फाइल का नाम है, इधर हम कोई पैरामीटर भी पास कर सकते हैं? आपको जिस तरह आपको पता है ETL टूल्स में आप पैरामीटर पास करते हैं जब आपकी ज्यादा फाइल्स होती हैं, तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग एवरी फाइल और रन टाइम पे जब आपकी जॉब्स चलती हैं तो फाइल नेम्स पैरामीटर में आते हैं, वो पास होते हैं और उससे एक डायनेमिक एनवायरमेंट बन जाता है, उस तरह की चीज हो जाती है यहाँ पे? यस बिल्कुल हो जाती है। यहाँ पे मैं इसको अभी फिलहाल के लिए अप्लाई कर रही हूँ। बेसिकली आपने एक प्रॉपर्टी एक वैल्यू सेट किया है, इसको आप लाइक एज इन वेरिएबल कह सकते हो, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि आपने पैरामीटर सेट करने हैं तो यहाँ पे आप जाके ये पैरामीटर और यहाँ पे ये वेरिएबल की सेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको लाइक आपने एक वेरिएबल बना दिया जिसको आपने बार बार यूज करना है, वो यहाँ पे आप सेट कर देते हो वेरिएबल्स में, ठीक है। सेट करने के बाद उसकी रेगुलर एक्सप्रेशंस में जाकर यहाँ पे आप आई थिंक इसका सिंटेक्स होता है उसको कॉल करने के लिए डॉलर का साइन, और यहाँ पे आप उस वेरिएबल का नेम दे देते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मजीद आप इसको गूगल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, नॉर्मली ETL टूल्स में इसी तरह होता है, आप डॉलर देते हैं और अगर आप हैश डॉलर दें तो उसकी वैल्यू आ जाती है। बिल्कुल ऐसा है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो वो चीज आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो मोस्टली होता भी यही है कि आप हर फंक्शन को या हर वेरिएबल को बार बार तो नहीं बना रहे होते, तो आप क्या करते हो कि उसके वेरिएबल्स बना देते हो और उसको फिर बाद में इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशंस में कॉल करते रहते हो, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? जी यहाँ तक चीजें क्लियर है? जी ठीक है, मैं अब इसको रन कर रही हूँ इस प्रोसेसर को। पहले हमने फाइल देखी थी कि हमारे पास फाइल नेम क्या आ रहा था, data.csv। अगर मैं इसको अब दोबारा से लिस्ट करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या उसने चेंज कर दिया है, देखें कि हमने टाइम स्टैम्प को उसने कोई नंबर में कन्वर्ट किया, ठीक है। नंबर को कन्वर्ट करने के बाद उसने .json उसकी एक्सटेंशन भी चेंज कर दी है, ठीक है। अगर मैं इसको व्यू करूं तो ये देखें उसने प्रॉपर उसको csv से json में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे अगर आप टाइप कंटेंट टाइप देखते हैं तो भी उसने csv से उसको json में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
और फाइल नेम जो है वो भी चेंज कर दिया। देन मैं इसको फाइनल पुट फाइल करा दूंगी। मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप वो दे सकते हैं, आपने किस पाथ पे जो है वो ऐड करवाना है। तो मैंने एक फर्दर डिफरेंट डायरेक्टरी बनाई हुई थी जिसका नाम मैंने लिखा हुआ था जेसन आउटपुट, ठीक है। तो उस अब मैं जाके इस डायरेक्टरी में देखती हूँ कि क्या ये जेसन वाली फाइल जो है वो प्लेस हुई है या नहीं हुई। इसको मैंने स्टॉप किया और यहाँ पे मैंने उस ये जेसन फॉर्मेट, ये देखिए यहाँ पे ये आ गई है जो आज की है, ये प्रीवियस की थी और ये आज की है। इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सीएसवी टू जेसन में कन्वर्ट हो गई है। तो ये मेथड होते हैं कि अगर आपने कोई लाइक क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई है कि उसने सीएसवी में नहीं चाहिए किसी और फॉर्मेट में चाहिए, तो आप इस तरह से जो है वो कर सकते हैं, उसकी कन्वर्जेंस कर सकते हैं। तो इसमें इस एग्जाम्पल में आपके काफी जो है वो फर्दर प्रोसेसर्स जो है उनकी थ्योरी और उनके प्रैक्टिकल वर्क जो है वो कवर हो गया। यहां तक किसी को कोई इशू? जी यहां तक इस एग्जाम्पल में किसी को कोई इश्यू, कोई क्वेश्चन? इसके बाद जो है आपके पास ये ट्विटर की एग्जाम्पल होगी, आप खुद से जो है वो रन करके देखिएगा और हमें इसकी जो है वो आपको ये कंज्यूमर की कंज्यूमर सीक्रेट एंड टोकन्स वगैरह जो है वो भी शेयर कर दूंगी जो आपको यहाँ पे प्लेस करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कि अब यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए था कि लाइक ये सेंसिटिव वैल्यू सेट क्या है। तो इसमें नाइफाई में जो भी आप पासवर्ड वगैरह या कोई भी सेंसिटिव वैल्यू देते हो तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी शेयर कर दूंगी तो आप ये खुद से जो है वो रन करके देख सकते हैं कि ये वाला जो है एग्जाम्पल जो है ट्विटर से डाटा किस तरह से गेट करता है लेकर और वहां पे पुट किस तरह से कर रहा है। अगेन वो ये वही मर्ज कंटेंट हमने ऑलरेडी देख लिया है, अपडेट एट्रीब्यूट हमने देख लिया है, राउट ऑन एट्रीब्यूट का मैंने बताया था कि अगर आपने कोई स्प्लिट करना हो या आपने कोई आप ये कह रहे हैं कि अब अगर मेरे पास 100 ऑफ फाइल्स आई हैं तो मेरे पास 50 फाइल्स जो हैं जो नेम ए के साथ स्टार्ट हो रही हैं, लाइक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर नेम ए के साथ स्टार्ट हो रही हैं या इस टाइम स्टैम्प के साथ हैं या एम्प्टी नहीं है, इस तरह की कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आप इम्बेड करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू आप न्यू प्रॉपर्टी एड करके उसमें वैल्यू दे के आप वो सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस प्रोसेसर में क्या हो रहा है कि उसने ये चेक लगाया हुआ है कि अगर तो आपका मैसेज जो है वो जो ट्विटर से आप मैसेज गेट कर रहे हैं वो अगर तो एम्प्टी नहीं है तो जाए, अगर एम्प्टी है तो उसको वहां पे स्टॉप कर दे, ठीक है। तो ये आप खुद से लर्न करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या यू नो ग्रुप में पूछने, कोई भी आपको रिस्पांस कर देगा। यहां तक कोई इशू, कोई चीज समझ नहीं आई हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, देन क्लास एंड करते हैं। मैम इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट वाली प्लीज काइंडली अपलोड कर दें। जी 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 वो मैं कर दूंगी दोबारा से। जी कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास एंड करें। ट्विटर डाटा के अंदर दो प्रोसेसर से उसका भी थोड़ा सा बता दीजिएगा शुरू के हैं। जी जी ये वेल मैं गेट ट्विटर और इवैल्यूएट जेसन पाथ, ठीक है। अब गेट अ ट्विटर क्या है? बेसिकली जब आपने ट्विटर से कोई मैसेजेस या कोई डाटा गेट करना होता है तो उसके लिए आप गेट ट्विटर का प्रोसेसर जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। इसकी अपनी जो है वो होती है
प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेटिंग्स वो आप देख लीजिएगा कि सेटिंग्स वो सेम एज इट इज वही रहेगी, स्केजलिंग एज इट इज रहेगी. प्रॉपर्टीज में आप क्या करते हो कि यहाँ पे ये क्या मांगेगा, आपके पास मांगेगा एक कंज्यूमर की, लाइक जब भी आप कोई किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहे होते हो या आपने किसी लाइक किसी भी लाइक फाइल के साथ कनेक्ट करना है या जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या दिए होते हैं, क्रेडेंशियल्स दिए होते हैं, ठीक है. JDBC दिया हुआ है, ठीक है, आपने कोई डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो उसका भी कोई पासवर्ड या कोई यूजर नेम होगा. तो इसी तरह ट्विटर वाली एग्जांपल में क्या होता है कि आपके पास एक सेंसिटिव जो है वैल्यूज सेट करनी होती है जो कि लाइक एज एन पासवर्ड होता है या की होता है जिससे वो उस ट्विटर के साथ आपके जो है वो कनेक्शन क्रिएट कर देता है. तो ये बेसिकली जो 4 से 5 आपके जो कीज हैं ये आपके कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है. एट ए टाइम सिंगल अकाउंट भी हम हैंडल कर सकेंगे ट्विटर का जो है. यस, जिसकी आप की देंगे वही कनेक्ट होगा. डिफरेंट भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपने आप जिसकी भी की देंगे वही कनेक्ट होगा. जिस तरह से अगर आपने एक डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए एक डेटाबेस, एक प्रोसेसर में तो आप एक डेटाबेस का कनेक्शन दे सकते हैं ना, क्योंकि उसमें एक ही URL होगा, ठीक है, एक ही पासवर्ड होगा और एक ही वो होगा यूजर नेम होगा. इन केस अगर आपने डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट करना है तो आपको सेम प्रोसेसर 2 या 3 या 4 जितनी बार भी आपने बनाना है वो आप डिफरेंट बनाएंगे, ठीक है. या एक ही डेटाबेस में आपने डिफरेंट टेबल्स गेट करने हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट जो है वो आप गेट कर रहे होंगे. इसकी समझ आ गई है गेट ट्विटर की कि ये क्या करता है. देन आ जाता है evaluate JSON path. अब evaluate JSON path क्या है कि यहाँ पे जो भी डेटा गेट होगा वो आपके JSON की फॉर्म में होगा, ठीक है. अब उसको JSON को आप कन्वर्ट कर रहे हो या उसमें चीजें ऐड कर रहे हो. ऐड में क्या होता है कि बेसिकली ये वाला जो evaluate JSON path है इसमें आप कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो ऐड करवा रहे हो, ठीक है. आप ये नहीं भी करवा सकते लेकिन ये लाइक इस प्रोसेसर की भावना होने के लिए हम लोग ये वाले 3 वैल्यूज हैं वो ऐड करवा सकते हैं. ये जब आप न्यू ऐड करेंगे ना, जैसे मैं अभी ये यहाँ से एक न्यू प्रोसेसर एवेल्यूएट जेसन पाथ का ऐड करती हूँ, यहाँ से एवेल्यूएट जेसन पाथ, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास वो प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं आ रही होंगी. ये देखें यहाँ पे वो तीनों प्रॉपर्टीज नहीं आ रही. तो अगर आपने इस प्रॉपर्टीज को खुद से ऐड करना है तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हो. जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो या नहीं, तो ये वही चीज है कि आपने यहाँ पे एक वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है. इन केस अगर कोई लैंग्वेज है, क्योंकि जब आप ये रन करेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे आपको आइडिया होगा के कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट होंगी. कुछ उर्दू के मैसेजेस होंगे, कुछ इंग्लिश के मैसेजेस होंगे, कुछ अरबी के होंगे, कुछ एम्प्टी होंगी. तो वो उस लैंग्वेज को फिल्टर करने के लिए हमने ये जो है ऐड की हैं प्रॉपर्टीज के. अगर लैंग्वेज पे आपने फिल्टर लगाना है तो आप ये वाला वेरिएबल यूज कर सकते हो. आपने मैसेज पे फिल्टर लगाना है तो आप इस पे कर सकते हो. जैसे अभी नेक्स्ट में हमने नेक्स्ट उसमें देखा था कि यहाँ पे हम लोगों ने फिल्टर लगाया हुआ था कि अगर तो कोई मैसेज एम्प्टी नहीं है तो आगे जाए. तो ये मैसेज बेसिकली कहाँ से आ रहा है, वो इस प्रीवियस वाले इस वेरिएबल से आ रहा है कि हमने इसको वहां पे कॉल कराया हुआ है, ठीक है. देन यूजर आ जाता है कि अगर आपने किसी यूजर नेम पे आपने कोई फिल्टर लगाना है, ठीक है, तो उसका वेरिएबल यूज करना है तो आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हो. फर्दर आपने कोई चीजें ऐड करनी है तो यहाँ से आप कोई जो है सेम एज इट इज इस तरह से डॉलर डॉट का साइन लगाकर आप उसको वैल्यू जो है वो साइन कर सकते हैं, ठीक है. और अगेन यहाँ पे अगर आप देखें कि मैस्ट आ रहा है तो यहाँ पे आपकी इसकी जो सेटिंग में रिलेशनशिप है वो डिफरेंट आ रहे होंगे, ठीक है. फेलियर का आ रहा है, मैच का आ रहा है और अनमैच का आ रहा है. अब मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ मैच वाला है जो जिसमें ये वेरिएबल जो है वो ऐड हो तो ही आगे जाए. अगर नहीं हो रहे फेलियर और अनमैच आ रहा है तो वो यहीं पे रहे, ठीक है. आगे ये यहाँ पे वो उसका रूट ऑन कर देगा, देन उसका मर्ज कंटेंट कर देगा कि यहाँ पे उसने स्प्लिट किया. या अगेन ये जो दोनों प्रोसेसर है वो प्रीवियस एग्जाम्पल वाले हैं. जी फरहान, आपको आइडिया हुआ है? थैंक यू. ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी किसी का कोई क्वेश्चन है, वरना क्लास एंड करते हैं. वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है इसके लिए. जी 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 श्योर.
चलें ठीक है फिर चलते हैं जी। फियाज आपने कुछ ऐड करवाना है? नहीं मेरे ख्याल से तो बस ऐसा कुछ नहीं है, बाकी वो वीडियो जो है पुरानी इसकी हम देख के उठा लेंगे और सेशन चला अपलोड कर देंगे। ठीक जी ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।